बीजेपी के अध्यक्ष, ये बताया जा रहा बाहर, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष अमराज चौधरी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर जबरदस्त प्रहार किया है, जिस पर आरजेडी नेता तिलमिला गए हैं। बीजेपी के इस हमले का क्या जवाब दिया गया है, आरजेडी किस तरीके से हमलावर, एक रिपोर्ट में देखिए। सिर पर चुनाव है, नेताओं पर चढ़ा चुनावी खुमार है और बिहार में हर राजनीतिक दल एक दूसरे पर हमलावर है। जुबानी जंग की हदें टूट रही हैं, भाषा की मर्यादा वहाँ तार तार हो रही है और परिवारवाद की नैया पर सवार उम्मीदवार जीत हार के दावों पर वार पलटवार कर रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार बीजेपी के अध्यक्ष और राज्य के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर जबरदस्त प्रहार किया है। दूसरे तरफ क्या हो रहा, दूसरे तरफ आरक्षण के नाम पर कुछ लोग अपने पहले पत्नी को मुख्यमंत्री बनाते हैं, फिर अपने बेटा को उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। वो क्रिकेट नहीं खेलता था, वो पानी ढोने का काम करता था। कुछ लोग पत्रकार लोग देख रहे हैं, आजकल मैं देख रहा हूँ कि मीडिया साथी लिख रहे कि क्रिकेट खेलने से राजनीति तक। अरे भाई बताना पड़ेगा ना कहाँ कहाँ क्रिकेट खेले। पानी ढोने वाला, पानी ढोने वाले को अपने बेटा, क्योंकि उनका बेटा था तो बिहार का उप मुख्यमंत्री बना दिया। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने परिवारवाद के मुद्दे पर आरजेडी को घेरा तो आरजेडी के नेता कहां चुप रहने वाले थे। परिवारवाद की बैसाखी के सहारे पहली बार राजनीति के समर में उतरी आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने फौरन मोर्चा संभाल लिया, लेकिन वो जवाब देने की जल्दबाजी में ये भूल गई कि राजनीति में नए नवेलों के लिए भाषा का स्तर बनाए रखना न सिर्फ जरूरी है बल्कि ये मतदाताओं के बीच उनकी राजनीतिक पहचान के लिए भी जरूरी है। खैर रोहिणी ये सब भूल गई और उन्होंने सम्राट चौधरी को न सिर्फ निशाने पर लिया बल्कि ऐसा माहौल बनाया कि एक बार की ये सोचना मुश्किल हो गया कि रोहिणी पहली बार राजनीति में आई है या वो राजनीति की बिसात पर प्यादों के मंत्रियों को टक्कर देने के हर दाव पेच की पूरी ट्रेनिंग लेकर आई है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बिहार में जीत की दावेदारी को लेकर बीजेपी और आरजेडी के नेताओं के बीच जुबानी जंग छिड़ी हो। दोनों दलों के नेता आए दिन एक दूसरे को लपेटते रहे हैं, लेकिन राजनीतिक टीका टिप्पणी का ये दौर जिस तरह से बदजुबानी में तब्दील होता नजर आ रहा है, उसे देखते हुए इस बात की आशंका जोर पकड़ रही है कि आने वाले दिनों में इसका और भी तल्ख रूप दिखेगा। खासकर आरजेडी नेताओं पर इसका असर और भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक तरफ जा चुनाव से पहले आरजेडी नेता भ्रष्टाचार को लेकर निशाने पर है तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन में सीटों को लेकर चल रही नूरा कुश्ती भी आरजेडी में हताशा भर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लोकसभा चुनावों को लेकर के तैयारियां तेज हो गई है और सियासी जंग भी यहां पर देखने को मिल रही है, जुबानी जंग जो है। और अब ऐसे में बीजेपी की तरफ से एक बड़ा बयान आया और कहा गया कि कांग्रेस का फ्यूल खत्म हो गया है। दरअसल इसके पीछे की कहानी यह है कि राहुल गांधी गए हुए थे मध्य प्रदेश के शहडोल में चुनाव प्रचार करने के लिए, लेकिन जैसे ही चौपर में सवार होते हैं उनका चौपर उड़ान नहीं भर पाता है। कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है कि तकनीकी खराबी है, तो बीजेपी की तरफ से यहां पर शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि फ्यूल खत्म हो गया और ऐसे ही कांग्रेस का भी फ्यूल खत्म हो गया है। रिपोर्ट दिखाते हैं। तो मैंने कहा कांग्रेस का ही फ्यूल खत्म हो गया तो राहुल जी का फ्यूल कहां से आया। सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार में लग चुकी हैं। कोई बस से प्रचार कर रहा है, कोई रथ से रैली निकाल रहा है, कोई गाड़ियों से रोड शो कर रहा है, कोई पैदल ही प्रचार पर निकल पड़ा। लेकिन कांग्रेस के नेता चुनावी कैंपेन पर निकले ही थे कि उनकी गाड़ी का फ्यूल ही खत्म हो गया, ऐसा दावा मध्य प्रदेश के लोग अपना काम कर रहा है। टीएमसी बंगाल में अपना कानून चलाएगी और यहाँ भी अपना कानून चलाएगी। धरना प्रदर्शन किसी को भी ऐसा हकदार हक नहीं है कि वो कहीं भी बैठकर प्रदर्शन धरना करते हैं। न्याय इलेक्शन कमीशन को अपनी सुरक्षा सारी चीज देखनी होती है, वो काम कर रहे हैं, कानून अंदर कर रहे हैं। सीमा की सुरक्षा पर दुष्यंत गौतम ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा ये बदलता हुआ भारत है, अब घर में जाकर मारने की ताकत और हिम्मत रखते हैं, कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं।
ये बदलता हुआ भारत है। तो हम घर में जाके मारने की हिम्मत और ताकत रखते हैं क्योंकि हम ईमानदारी से और नेक नीति से काम करते हैं। हम किसी की दखलंदाजी, किसी की गुंडागर्दी बर्दाश्त करने वाले नहीं है, और कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। झारखंड के रांची से बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने रिलीज किया खुद का गाना। गाने में लीड रोल में नजर आ रही हैं अंबा प्रसाद। टीएमसी नेता सागरिका घोष और आप मंत्री सौरभ भारद्वाज को पुलिस स्टेशन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं। अंदर टीएमसी नेताओं से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। पीलीभीत में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, जब देश मजबूत होता है तब दुनिया सुनती है, इसलिए दुनिया में भारत का डंका बच रहा है। पीलीभीत में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत को नई पहचान मिली, भारत विकास की ओर बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे पर बनी बात। कांग्रेस 17 सीटों पर, एनसीपी 10 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। यूबीटी 21 सीटों पर उतारेगी अपने उम्मीदवार। रोहिणी आचार्य का सीएम नीतीश कुमार पर हमला। बोली, नीतीश राज में भ्रष्टाचारियों को दी जा रही है पनाह। वो लोग ताकत पर लड़ते हैं लेकिन हम जनता के समर्थन पर लड़ते हैं। मेरे समर्थन में सारण की जनता है। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। दिल्ली पुलिस ने 48 घंटे में राजस्थान से आरोपी को किया गिरफ्तार। लिव इन पार्टनर की हत्या के बाद फरार हुआ था आरोपी। पहले भी कई मामलों में शामिल रह चुका है आरोपी। एमपी की ग्वालियर में बीजेपी उम्मीदवार की 10 फीट मूछ देख सीएम मोहन यादव हुए हैरान। मंच पर खड़े होकर किया मूछों का प्रदर्शन। का ये मूछ नहीं, तार है। जम्मू कश्मीर के कटरा में माता के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु। माता वैष्णो के दरबार में पूजा अर्चना करने पहुंचे हैं श्रद्धालु। तेलंगाना में मनाया गया उगादी उत्सव। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी भी हुए शामिल, पूजा अर्चना भी की। उत्तराखंड के नैनीताल में खाई में गिरी कार हादसे में 8 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। गाड़ी में सवार थे 10 लोग। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में पुलिस की हत्या चढ़ा। हत्या का आरोपी विजय नारायण। हत्या के आरोपी को पुलिस मुठभेड़ के दौरान किया गया था गिरफ्तार। हत्याकांड के 48 घंटे में पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। कल शोपिया में हुआ था आतंकी हमला। हमले में घायल शख्स का इलाज जारी। यूपी के बहराइच में ट्रेन की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत। देर शाम टहलने के दौरान हुआ हादसा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में तेज रफ्तार कार और बाइक की जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौके पर हुई मौत। फरार कार ड्राइवर की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश की श्रावस्ती में दिखा तेज रफ्तार कार का कहर। हादसे में युवक की मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दक्षिण अफ्रीका के वेनेजुएला के जंगलों में लगी भीषण आग। आग पर काबू पाने का काम लगातार जारी। तो बीजेपी के अध्यक्ष, ये बताया जा रहा बाहर, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर जबरदस्त प्रहार किया है, जिस पर आरजेडी नेता तिलमिला गए हैं। बीजेपी के इस हमले का क्या जवाब दिया गया है, आरजेडी किस तरीके से हमलावर, एक रिपोर्ट में देखिए। सिर पर चुनाव है, नेताओं पर चढ़ा चुनावी खुमार है, और बिहार में हर राजनीतिक दल एक दूसरे पर हमलावर है। जुबानी जंग की हदें टूट रही हैं, भाषा की मर्यादा वह तार तार हो रही है, और परिवारवाद की नैया पर सवार उम्मीदवार जीत हार के दावों पर वार पलटवार कर रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार बीजेपी के अध्यक्ष और